लोग कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे पाठ 9। पाठ का नाम है बुलबुल। बुलबुल का नाम तो सुना होगा, है एक पक्षी है बुलबुल ना। तो सबसे पहले बुलबुल के बारे में जानते हैं। इस पाठ में बुलबुल पक्षी के बारे में बताया गया है। बुलबुल अक्सर हमको नज़र आ जाती है पर हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। इस पाठ में बुलबुल की शारीरिक विशेषताएं, उसकी आदतें, उसकी बोली के विषय में बहुत सी जानकारियां दी गई हैं। लेकिन इससे पहले, पाठ शुरू करने से पहले कुछ कठिन शब्द और शब्दों के अर्थ देखेंगे। तो चलिए कठिन शब्द मेरे साथ दोहराइए। चिड़ियां, चिड़ियां। पूंछ, पूंछ। भूरा, भूरा। ऊंची, ऊंची। कलगी, कलगी। सिपाही, सिपाही। पीपल, पीपल। कीड़े, कीड़े। ढूंढ कर, ढूंढ कर। सब्जी, सब्जी। अमरूद, अमरूद। घोंसला, घोंसला। पौधों, पौधों। कटोरे, कटोरे। गुलाबी, गुलाबी। बैंगनी, बैंगनी। बिंदिया, बिंदिया। तो अब कुछ शब्दों के अर्थ मेरे साथ बोलिए। सरल, सरल का मतलब आसान, सरल आसान। कलगी, पक्षियों के सिर पर चोटी, सिर का चोटी। कलगी, पक्षियों के सिर का चोटी। हमला मतलब आक्रमण, हमला मतलब आक्रमण। घोंसला, घोंसला मतलब पक्षियों का घर, घोंसला मतलब पक्षियों का घर। जड़, जड़ का मतलब पेड़ पौधे का वो भाग जो जमीन में रहता है। जड़ का मतलब पेड़ पौधों का वो भाग जो जमीन में रहता है। तो चलो बच्चों मेरे साथ इस पाठ को पढ़ो और उसका साथ में भावार्थ समझते चलो। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वो चिड़िया बुलबुल है। तो बच्चों तुमने कभी पहले बुलबुल देखी है? देखी होगी पर पहचान नहीं पाए होगे। तो बुलबुल को पहचानने का सबसे इजी तरीका ये है कि अगर तुमको कोई चिड़िया बहुत तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसके पूंछ पे ध्यान दो। अगर उसका पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है तो समझ जाओ वो चिड़िया बुलबुल ही है। जब वो उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है और उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। जब बुलबुल उड़े तो उसके पूंछ का जो सिरा होता है, किनारे का हिस्सा, ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के जो सिरे का रंग होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, जबकि उसका बाकी शरीर जो होता है वो भूरे रंग का और जो सिर होता है वो काले रंग का होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसे भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल जो है, बुलबुल जो पक्षी है, वो बहुत जोर से बोलती है। बुलबुल को मनुष्य से कोई डर नहीं लगता है।
वो भागती नहीं है, देख के भागती नहीं है, मनुष्यों को देख के वो भागती नहीं, उड़ नहीं जाती है, उसको डर नहीं लगता मनुष्यों से। तुमको एक एक बुलबुल इस प्रकार की भी मिलेगी जिसके सिर पे काले रंग का कलगी हो, मतलब मुकुट जैसा, तो उस बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। ये देख रहे हो ना चित्र बना हुआ है आपको, इस तरह के अगर चिड़िया कोई दिखाई दे तेज आवाज में बोलती हुई तो समझ जाना कि ये बुलबुल है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। बुलबुल जो है पीपल या बरगद के का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसमें से उसके ऊपर जो कीड़े रहते हैं वो ढूंढ के खाती रहती है। उसको हमारी तरह सब्जी और फल भी अच्छा लगता है और वो सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद और मटर उसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पे जाना उसको बहुत पसंद है। वो खूब जोर से आक्रमण कर देती है उस पर, और खाने के लिए अमरूद और मटर को खाने के लिए। वो सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। वो जो अपना घर है, घोंसला है, वो सूखी हुई घास, छोटे पौधों का जो पतला जड़ रूट होता है ना, उससे वो अपना घोंसला बनाती है। घोंसला जो है अंदर से एक कटोरे बाउल जैसा दिखता है। हाँ, घोंसला कैसा दिखता है अंदर से? एक सुंदर कटोरे जैसा। घोंसला किससे बनता है? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ से। और कैसा दिखता है घोंसला? सुंदर कटोरे जैसा। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदिया दिखाई देंगी। बुलबुल एक ही बार में 2 या 3 अंडा देती है और अंडे का जो रंग होता है वो हल्के गुलाबी रंग का होता है। जब अंडों को तुम ध्यान से देखोगे तो उन पे लाल, भूरा, बैंगनी रंग का बिंदी, वो गोल गोल सर्कल जैसा दिखेगा। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? 2 या 3। और बुलबुल का अंडा किस रंग का होता है? हल्के गुलाबी रंग का। और ध्यान से देखने पर क्या दिखता है अंडे में? अंडे पर लाल, भूरा, बैंगनी रंग का बिंदी। देखो ये बुलबुल है। तो बच्चों, अब अगर तुम देखोगे अपने आसपास तेज आवाज में बोलती हुई किसी पक्षी को तो उस पे उसको ध्यान से देखना, फिर तुम पहचान जाओगे कि यही बुलबुल है। धन्यवाद।